हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द प्लस वन क्लास फिजिक्स बेटा। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो वी गेव द सम एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा। टुडे वी विल डिस्कस विद यू द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो वी विल डिस्कस विद यू वन और टू प्रॉब्लम। लेट टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा, दैट इज लिफ्ट प्रॉब्लम या एलिवेटर प्रॉब्लम बेटा। तो अब व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the problem, that is machine problem. Apparent weight of a man in a lift ya elevator beta simply hai, you are in on a weighing machine, or suppose that you are a person having mass m standing on the weighing machine placed on the lift. कहने का मतलब लिफ्ट के अंदर क्या है, मशीन है, और मशीन के ऊपर आप खड़े हो। तो अब एक बात आइए, मान लीजिए आप वेटिंग मशीन लीजिए, ये कोई लिफ्ट है बेटा, और लिफ्ट के अंदर क्या रखी हुई है, कोई वेटिंग मशीन है, ओके। और इसके ऊपर अगर आप स्टैंड करते हो, If you are standing here, अगर आप यहाँ पर खड़े हो बेटा, तो आपका वेट किस तरफ एक्ट करता है, यूर वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। वेट क्या होता है बेटा, फोर्स मास इंटू ग्रेविटी। तो बेटा इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वेटिंग मशीन, दिस इज वेटिंग मशीन बेटा, यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड मशीन इज प्लेस्ड इन लिफ्ट। तो बेटा ये सारी लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर क्या रखा हुआ बेटा, मशीन रखी हुई है। तो बेटा आपका एक्चुअल वेट क्या है, वट इज़ योर एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट क्या बेटा, मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज एम जी इज़ योर एक्चुअल वेट। बट बेटा आपने क्या किया, आपने क्या किया बेटा, एक्शन किया, इसका मतलब आपका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है बेटा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस एक्ट ऑन द वेटिंग मशीन, ये वेटिंग मशीन पर एक्ट कर रहा है आपका वेट। बट वेटिंग मशीन क्या करेगी, रिएक्शन देगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेटिंग मशीन गिव्स रिएक्शन, दैट इज कैपिटल आर। रिएक्शन किस तरफ होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट में बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेटिंग मशीन गिव्स यू रिएक्शन, या रीडिंग ऑफ द वेटिंग मशीन विल गिव रिएक्शन। दिस रिएक्शन कौन देगा बेटा, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द मशीन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अपरेंट वेट। बेटा जो रिएक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हम वेट, आप रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, हम यहाँ पे अपरेंट वेट बोलेंगे। अपरेंट वेट इज़ नॉट ट्रू वेट, ये बात नोट कर लेना बेटा। तो जो अपरेंट वेट आएगा वो अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा, वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले वाला केस डिस्कस करते हैं बेटा, वैन द एलिवेटर, फर्स्ट केस क्या बेटा, वैन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। सबसे पहले केस क्या चलते हैं बेटा, कि जो आपका एलिवेटर है या जो लिफ्ट, आपकी जो लिफ्ट है वो रेस्ट में मूव नहीं कर रही बेटा, ना तो आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है ना आपकी लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है बेटा। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, तो बेटा कितना एक्सलरेशन क्या होगा बेटा पर्सन का, एक्सलरेशन ऑफ पर्सन या जो भी पर्सन उसके अंदर बैठा है उसका एक्सेलरेशन बेटा जीरो होगा, क्योंकि ना तो मशीन ऊपर जा रही है ना मशीन ऊपर आ रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज जीरो बेटा। अच्छा नेट फोर्स भी क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, नेट फोर्स भी जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जितने अमाउंट का वेट है उतना क्या होगा बेटा, रिएक्शन है। अगर नीचे फाइव और ऊपर भी फाइव है बेटा, तो नेट कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया ना, तो नेट फोर्स भी कितना आ गया यहाँ पे बेटा, जीरो आ जाता है। तो नेट फोर्स जीरो है अगर, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, नेट फोर्स निकलता है ऐसे आर माइनस एम जी, ठीक है। बट नेट फोर्स जीरो है तो आर माइनस एम जी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू एम जी, इसका मतलब बेटा क्या है, जो आपका ट्रू वेट था वही आपका क्या बेटा, अपरेंट वेट आएगा। अगर एलिवेटर क्या बेटा, रेस्ट में है, इफ़ एलिवेटर इज एट रेस्ट, अगर एलिवेटर रेस्ट में है बेटा, तो जो आपका ट्रू वेट है वही आपका क्या आएगा बेटा, अपरेंट वेट आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट केस। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड केस की, वट सेज सेकेंड केस, सेकेंड केस कहता है बेटा, वैन द एलिवेटर, केस नंबर सेकेंड क्या कहता है बेटा, वैन द एलिवेटर या वेटिंग मशीन, वैन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली
इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड या डाउनवर्ड। अच्छा बेटा एक बात बताइए, कहते कि वैन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड और डाउनवर्ड। बेटा यूनिफॉर्म मोशन होती है जब, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? जीरो होता है। अगर यूनिफॉर्मली अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है तो उस केस में भी एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? जीरो होगा। और प्रीवियस केस ही हो जाएगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो बेटा, वहाँ पे अपरेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट। ये बात नोट कर लीजिए, अपरेंट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट हो जाएगा बेटा। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड केस। अब बात करते हैं केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा? बिल्कुल सिंपल है। केस नंबर थर्ड क्या बेटा? व्हेन द एलिवेटर, केस नंबर थर्ड, व्हेन द एलिवेटर, व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। जब कोई आपकी लिफ्ट में आप बैठे हो तो लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर जा रही है, आपका एक्सेलरेशन आपके ऊपर की तरफ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बेटा? अपवर्ड। यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, और आपका जो रिएक्शन है वो अपवर्ड ही है। बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं। तो अब बता रहा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन इन लिफ्ट, लिफ्ट में अगर पर्सन बेटा तो उसका एक्सेलरेशन किस तरह है बेटा? दैट इज ए, वो अपवर्ड में डायरेक्शन में बेटा। अच्छा अब बात करते हैं बेटा नेट फोर्स की। पहले बात करते हैं नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स कैसे निकलता है बेटा? ज़्यादा फोर्स में से कम फोर्स डिक्रीज किया जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा जिस तरफ बॉडी को मूव कर रही है उसी तरफ तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किस तरह बॉडी का? ऊपर की तरफ है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है इसका मतलब उसके उसके ऊपर ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यानी कि आर की वैल्यू ज़्यादा है, एम जी की वैल्यू बेटा कम है, तो इसका मतलब ज़्यादा में से जब कम निकालते हैं, ज़्यादा वैल्यू से अगर कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते तभी नेट फोर्स निकलता है बेटा। तो आर माइनस एम जी हो गया बेटा नेट फोर्स। ज़्यादा में से कम निकालो वो दैट इज नेट फोर्स। और बेटा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो आल्सो वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी आपका फोर्स है बेटा, ये भी आपका फोर्स है, दोनों को इक्वेट कीजिए तो एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। तो बेटा आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन आ गया बेटा, ए प्लस जी दैट इज इक्वल टू आर बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन आई है, पहले आपका क्या था? आर इज इक्वल टू एम जी था बेटा, बट अब क्या होगा बेटा? जी के अंदर कोई पैरामीटर ऐड हो गया ना, इसका मतलब अपरेंट वेट जो आया, जो रिएक्शन आई वो आपके क्या हो गया? ट्रू वेट से ज़्यादा आई ना बेटा। तो इस केस में जो आपका यू कैन से जो अपरेंट वेट है वो ट्रू वेट से क्या आएगा बेटा? ज़्यादा आएगा व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा पहले एम जी था, बट यहाँ पे अब जी में कोई पैरामीटर ऐड हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? ज़्यादा आई है। तो लास्ट में आप क्या लिखने वाले हो? तो आप में लिखो, आप लिखोगे लास्ट में बेटा कि जो आर है दैट विल बी ग्रेटर देन एम जी। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि जो अपरेंट वेट है बॉडी का दैट विल बी ग्रेटर देन ट्रू वेट। ट्रू वेट पर्सन का अपरेंट वेट क्या आएगा भाई? ट्रू वेट से ज़्यादा आएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट नो डिस्कस द नेक्स्ट केस। व्हेन द एलिवेटर या लिफ्ट, लिफ्ट केस नंबर फोर, व्हेन द लिफ्ट या एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। अब की बार बेटा दोबारा से केस वही बढ़ाएंगे, रिएक्शन ऊपर की तरफ ही होगी, बट इस केस में बेटा एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा? नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन किसकी तरफ है बेटा? नीचे की तरफ है। तो बेटा अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, एम जी ज़्यादा है, आर कम है। तो बेटा नेट फोर्स किस तरफ है? नेट फोर्स मतलब ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब की बार एम जी ज़्यादा बेटा, आर कम हो जाएगा। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या बेटा? एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा बेटा। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर बेटा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एम जी माइनस एम ए हो जाएगा बेटा। तो एम यहाँ से बेटा जी माइनस ए दैट इज इक्वल टू आर। तो पहले तो बेटा क्या था? एम जी था, बट अब देखो जी में से कोई पैरामीटर सब्ट्रैक्ट कर गया,
इसका मतलब इस केस में क्या होगा बेटा, रिएक्शन कम आएगी, इसका मतलब अपरेंट वेट ट्यूब वेट से कम आएगा इस केस में। तो यू कैन से दैट जो अपरेंट वेट है, जो आपका अपरेंट वेट है दैट विल बी लेस देन ट्रू वेट, वो आपका ट्रू वेट से बहुत ही कम आएगा। तो अपरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट इस केस में बेटा। और नाउ डिस्कस द नेक्स्ट केस बेटा। तो नेक्स्ट केस क्या है, फ्री फॉल कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। लेट टेक द फ्री फॉल कंडीशन। तो लास्ट पॉइंट है बेटा, इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी। कहने का मतलब बेटा कि लिफ्ट की, मान लीजिए जिस स्पोर्ट से या केबल से लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है, अगर वो केबल टूट जाए तो क्या होगा उस टाइम बेटा, बॉडी विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो बॉडी का एक्सेलरेशन किसके होगा बेटा, सिर्फ जी के इक्वल होगा। तो अभी इक्वेशन डिस्कस की थी मैंने एक, कि रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अभी ये सेकंड वाली, अभी इसे पिछले वाला केस किया बेटा, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, जी कर देंगे, जी माइनस जी जीरो। तो रिएक्शन में कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो इसका मतलब वेटिंग मशीन कोई रिएक्शन नहीं देगी। अपरेंट वेट कितना आ जाएगा बेटा, इस केस में आपका जीरो आ जाएगा बेटा। तो दीज आर द केसेस बेटा ऑफ वेटिंग मशीन व्हेन ए पर्सन ओन ए वेटिंग मशीन एंड मशीन इज प्लेस्ड इन लिफ्ट। दीज आर द वेरियस केसेज विच वी डिस्कस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया है, और कुछ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूटन जो सेकंड लॉ है दैट इज रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बेटा, रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इट्स मीन, लॉ तो फर्स्ट भी है थर्ड भी है बेटा, बट सेकंड लॉ को ही रियल लॉ क्यों बोला बेटा। इट मीन्स इसका मतलब क्या बेटा, कि जो सेकंड लॉ है ना, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट और थर्ड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बेटा, फर्स्ट लॉ इज कंटेंड इन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन सेकेंड लॉ, एंड सिमिलरली यू कैन से दैट थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन करो कि न्यूटन सेकेंड लॉ रियल लॉ है बेटा, तो आप कहोगे कि जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है वो सेकेंड लॉ में कंटेंड है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ यू कैन ड्राइव फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो बेटा, सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ इजिकल टू बेटा एम ए। ठीक है, ये सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है। अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, देन एक्सटर्नल फोर्स को जीरो पुट कर दें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एम ए। तो मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। एक्सेलरेशन को जीरो होना होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या बेटा, देर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, दिस मीन्स दैट बेटा ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स बेटा। तो यही तो आपके फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन थी बेटा, कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो बेटा मोशन में रहेगी, अनलेस यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स बेटा। तो अगर हमने यहाँ पे फोर्स जीरो कर दिया तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है बेटा, जीरो आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ बेटा। तो सेकंड लॉ से क्या ड्राइव कर दिया हमने, फर्स्ट लॉ कंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड लॉ की। अच्छा बेटा मुझे बताना, मान लीजिए यू हैव टू बॉडीज, दिस फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकंड बॉडी। तो मान लीजिए क्या करते हैं, कि मान लेते हैं कि लेट बॉडी ए एग्जर्ट ए फोर्स एफ वन ऑन बॉडी बी। मान लीजिए बॉडी ए क्या करती है, बी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज एफ वन। बॉडी बी रिएक्शन देगी, दैट इज एफ टू। तो बेटा एफ वन क्या है, एफ वन मान लेते हैं कि फोर्स एग्जर्टेड बाई बॉडी ए ऑन बी, और एफ टू क्या बेटा, फोर्स एग्जर्टेड बाई बी ऑन बॉडी ए बेटा। ठीक है, तो बॉडी बी पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा, एफ वन, और ए पे कौन कर रहा है बेटा, एफ टू। ठीक है बेटा, अभी हमने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ क्या बेटा, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है ना।
तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। अरे चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। बस निकाल लीजिए चेंज इन लिनियर मोमेंटम, चेंज इन लिनियर मोमेंटम, चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ बी। बी का कितना मोमेंटम चेंज होगा बेटा, मोमेंटम क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम फोर्स इन मल्टीप्लाई टाइम। तो बी बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है बेटा, दैट इज एफ वन, और टाइम कितना मान लीजिए स्मॉल टाइम के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ए का क्या आएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो दैट इज इक्वल टू एफ टू इंटू डेल्टा टी बेटा। ठीक है, तो ये दोनों चेंज इन मोमेंटम हो जाएंगे बेटा। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो बेटा टोटल चेंज कितना आएगा, तो टोटल चेंज कितना आ गया बेटा, एफ वन डेल्टा टी प्लस एफ टू डेल्टा टी। ठीक है, बट अगर बेटा बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो क्या होगा बेटा, जो चेंज इन मोमेंटम वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो इसको जीरो पुट कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू एफ वन डेल्टा टी प्लस एफ टू डेल्टा टी। उसको उधर ले जाइए, एफ वन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ टू डेल्टा टी, इधर माइनस आ जाएगा, तो बेटा डेल्टा सी डेल्टा टी कैंसिल, तो एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू। तो यही तो था बेटा कि फोर्सेज इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन, तो दिस वाज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम फर्स्ट और थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।